बाबा का जो किधर जा रहा है ये। पुलिस में गए तो वो जेठा को नहीं छोड़ेंगे। अरे जैसा भी हो, मेरा एक लौता बेटा है, मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। पुलिस यहाँ नहीं आएगी, बस नहीं आएगी। पुलिस हमारे घर पे नहीं आएगी, ये टप्पू की जिम्मेदारी है। देखिए, हमें किसी ने फोन पे खबर दी कि आपका किडनैप हुआ है। अच्छा, मेरा क्या? सॉरी सॉरी, चल चल। मेरा किडनैप हुआ? ये फोन पर खबर, ये जरूर उस टप्पू की शरारत होगी। अरे क्यों मार रहा है भाई? सोसाइटी में पुलिस आई थी और हमारे धंधे में पुलिस का आना मतलब आदमी सीधा ऊपर। अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैं निकलूं? भाई एक रिक्वेस्ट है, देखो ऐसे चाकू से खेलते नहीं है। अगर चाकू गलती से लग गए तो टिटनेस का इंजेक्शन लेना पड़ेगा और मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है भाई। हेलो बॉस, जेठालाल को मारना नहीं, पुलिस सोसाइटी में दूसरे मैटर से आई है, उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया। बच गया तू? हाँ, तेरे फैमिली वाले ने पुलिस को नहीं बुलाया था। अच्छा, पुलिस किसी और वजह से वहां पर गई थी। हाश, अरे भाई तो पहले ठीक से पता करना चाहिए ना। हाँ, इधर खामा का टेंशन हो गया। नहीं भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो जो भी अभी टेंशन गया ना भाई, आपने सुबह से मुझे इधर बांध के रखा है, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाना वाना तो खिलाओ। वैसे भाई, भूख तो अपन को भी लगी है। भूख लगी है? हाँ भाई, हाँ, चलो खा के आते हैं। अरे भाई खा के आते, मैं कैसे आऊं? अरे खोलो तो आओ। अरे देखो, ये फाइल कल सीपी साहब के ऑफिस में पहुंचनी चाहिए, ठीक है? हेलो, पुलिस स्टेशन, बोलिए। एड्रेस लिखिए। एक मिनट, बोलिए। गोकुलधाम सोसाइटी। अच्छा, फिल्म सिटी स्टोर के बाजू में। बोलिए, क्या हुआ है? किडनैप। किसका? भेड़े का? नहीं, हाथी का। अरे भाई, इतना बड़ा हाथी कैसे किडनैप हुआ? हाथी मतलब डॉक्टर हंसराज हाथी। अच्छा, वो एमएलए के साले भी है। तो मैं तुरंत पहुंचता हूँ। हवलदार जी, रेडी है सर। हाँ, बॉस, सोसाइटी में वापस पुलिस आई है। सोसाइटी में फिर से पुलिस आई थी? तेरे सोसाइटी में क्यों बार बार पुलिस आती है? अभी मुझे क्या पता भाई, मैं तो आपके यहाँ इधर सामने बैठा हूँ ना, हो सकता है किसी पुलिस वाले का ससुराल होगा हमारी सोसाइटी में। और भाई, एक बार शादी हो गई ना तो फिर ससुराल वालों से रिलेशन मेंटेन रखना पड़ता है, वरना बीवी जिंदगी आराम कर देती है। आपकी शादी हुई है? नहीं, वो अभी तक भाई के लेवल की कोई मिली नहीं ना। चुप है। देखिए, हमें खबर मिली कि डॉक्टर हंसराज हाथी को किसी ने किडनैप किया है। किडनैप? अरे भाई, आप हंस क्यों रहे? मैं आपके सामने मौजूद हूँ तो किडनैप कैसे हो सकता हूँ? मतलब मैं ही डॉक्टर हंसराज हाथी हूँ। क्या? देखिए, मुझे लगता है आपके साथ किसी ने मजाक किया है। वो मुझे पता चल गया। अभी मुझे यहाँ कोई किडनैप तो करने वाला नहीं है। अरे कितना बोलता है यार, ये लगता है मुझे सरदर्द हो जाएगा। चल निकल। अरे सुनिए, मेरे पास सरदर्द की दवाई है। हाँ बोल। बॉस, पुलिस सोसाइटी में दूसरे मैटर से आई है। बच गया तू, फिर से बच गया। तेरे फैमिली वालों ने पुलिस को नहीं बुलाया था। ए भाई, ये कौन है जो बार बार आपको गलत गलत इन्फॉर्मेशन देता है? अगली बार है ना, आप कंफर्म करके चाकू मेरे गले पे रखो, क्योंकि क्या है, चाकू से ना मेरे हृदय में धक 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 हो जाता है एकदम। एक काम कर, इसे घर पे फोन कर और पैसे का क्या हुआ पूछ।
भाई अभी फोन कर ही रहे तो मेरे बापू जी ना उसको एक जरा मैसेज दो, कल दुकान पे ना नया माल आ रहा है तो वो जरा चेक करके गोडाउन में रखवा दे, इतना बोल दो जरा। ठीक है भाई। अबे चुप। अबे हम तेरे बाप के नौकर नहीं है, किडनैपर है किडनैपर। मैं मानता हूँ भाई आप किडनैपर है, लेकिन धंधा भी तो देखना पड़ेगा ना भाई। आपने कब से मुझे इधर बांध कर रखा है, उधर कितना नुकसान हो रहा है धंधे में। अब ये नुकसान कौन भरपाई करेगा, आपसे तो मांग नहीं सकता हूँ क्योंकि आप खुद मुझसे पैसे मांग रहे हैं। अबे चुप, चुप से चपड़ 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 करता है। चपड़ चपड़ क्या, जो फैक्ट है वो तो बोल रही है। चुप, इसका मुंह बंद कर। मैं मुंह बंद करने को वो बात थोड़ी बंद हो। बोल मुंह बंद कर। मेहता साहब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर हम लोग पुलिस को फोन नहीं कर सकते। लेकिन चाचा जी टप्पू देखना कोई है, कौन आया होगा देखते हैं। आइए भिड़ेंगे। अरे मेहता साहब। हाँ हाँ भिड़े जी। क्या आप किडनैप हो गए ऐसा फोन आया था? नहीं तो, लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं किडनैप हो गया हूँ ऐसा पुलिस को फोन आया था, और पुलिस मेरे घर पे आई थी। हाँ, और पुलिस को मैं किडनैप हो गया हूँ वैसा भी फोन गया था। जेठालाल को कोई फोन आया था क्या? ये केड़ा झूठी खबरें फैला रहा है यार। जेठालाल ही हो सकता है, हमें तंग करने के लिए उसी ने खबर फैलाई होगी। अरे वो कैसे फैला सकता है, वो तो सचमुच अगवा हुआ है। क्या? हाँ। जी जेठालाल किडनैप हो गए हैं, और किडनैपर्स ने हमें फोन किया और धमकी दी है कि हम पुलिस को इन्फॉर्म ना करें। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये अफवाहें कौन फैला रहा है। किडनैपर ही हो सकते हैं, उन्होंने ऐसे झूठे कॉल्स किए होंगे, तब इंक्वायरी करके आता है। लेकिन देश के जागरूक नागरिक होने के कारण हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मेहता पाजी, जेठालाल तो आपके जिगरी हैं, आपको फोन जरूर करना चाहिए, और इसमें जेठालाल का भी भला होगा। हाँ, यस यू आर राइट, मुझे लगता है ये लोग ठीक कह रहे हैं, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। जी चीकुवाड़ी पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त जेठालाल किडनैप हो गया है। अच्छा, कहाँ, पाउडर गली में रहते हैं? जी गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं ना? जी, लेकिन आपको कैसे पता? कैसे पता चला? अरे रात से हम लोग यही तो काम कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये, दोबारा यहाँ झूठा फोन किया ना तो मैं वहां के तुम्हें गोली मारूंगा, समझे? क्या हुआ, क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? कह रहे गोली मार दूंगा। हाँ? मुझे तो ये टप्पू की बात ठीक लगती है, उसकी बात में दम है। मेरे ख्याल से अब हमें किडनैपर्स के फोन का इंतजार करना चाहिए। अरे कोई किडनैपर को बोलो फोन करे, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अरे आतिश संभाल यार। अरे पहले इसे यहाँ से लेकर जाओ, ये पूरी सोसाइटी में यही एक कच्चा पक्का डॉक्टर है। अरे इसे कुछ हो जाएगा तो बाकी सबका क्या होगा। हाँ ठीक है ठीक है, ले लेता हूँ। हेलो, हो गया 1 करोड़ का बंदोबस्त। देखो भाई अभी पेट छूटी बात कर रहा हूँ, ये 1 करोड़ का बंदोबस्त तो पूरी जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा। एक काम करो, थोड़ा व्याज भी करो तो आगे बात करो। अरे यार इस केस में बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। सॉरी। बोलो, तुम बोलो। 50 तक हो सकता है। ठीक है, चेक चलेगा ना? चेक? हाँ चेक, क्या करे भाई, मार्केट में घाटा चल रहा है। एक काम करो, चेक ले लो, 7 दिन के बाद डाल देना, पास हो जाएगा। अबे हमारे धंधे में चेक नहीं चलता, क्या चाहिए कैश। अबे रोकड़ा चाहिए तो फिर थोड़ा कम करना पड़ेगा, वो क्या बोलते हैं वो, डिस्काउंट। डिस्काउंट? हाँ डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट? अरे 1 करोड़ का 50 किया और उसमें भी डिस्काउंट चाहिए? अभी ज्यादा नाटक किया ना तो बंदूक की चीख और जेठा का धमाका सुनाई देगा। अबे जब तुम बोलते ही गलत हो, अरे जेठा की चीख और बंदूक का धमाका सुनाई देगा ऐसा बोलना चाहिए। अरे यार किधर से ऐसा पाप पकड़ के लाया। क्या बताऊं भाई, मैं भी बहुत परेशान हूं, अभी जाने। बापूजी जेठा बोल रहा हूं। हेलो हेलो बापूजी, देखो आप सांड को लाल कपड़ा मत दिखाओ बापूजी। क्या ऐसे ही बोलना पड़ता है बापूजी का, आप बुरा मत मानो, मन पे मत लो, झूठ मूठ बोल रहा हूं। हा? देखो भाई रोकड़ा चाहिए तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कल तक का दे देता हूँ। और एक बात याद है ना? क्या? किसी को बताना मत। तुम भी मत बताना। भाई ये
ये बुड्ढा सनकी लगता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा? डाउट तो मुझे भी है, जा चेक कर क्या। लेकिन भाई बात तो कैश की हुई ना। तू इधर ही रुक, मैं जाकर कैश करके आता हूँ, चेक करके आता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने बैंगन का भरता अभी भी रखा है। क्यों? हाँ, मैंने मन्नत मानी थी कि पहले उनको वो खिलाऊंगी और बाद में घर की रसोई बनेगी। कोई बात नहीं दया बहन, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। और वैसे भी जरा सोचिए, आज तक हमारी सोसाइटी को कोई नहीं जानता था, मगर कल से जेठा भाई की वजह से हमारी सोसाइटी फेमस हो जाएगी। फेमस? हाँ हाँ दया भाभी, यो तो बड़े गर्व की बात है। जेठा भाई सा के लिए वो 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, मेरे उनके लिए तो कोई 1 लाख भी ना मांगे। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे वो किडनैप हो गए तो कितना मांगेंगे? अरे उनको वापस ले जाने के लिए ना सामने से पैसा देकर जाएंगे वो लोग। अगो भाई का? अरे मास्टर जी का क्या भरोसा, किडनैपर्स को इतिहास पे सवाल पूछेंगे, इतिहास पे, और ना आने पर मुर्गा बनने के लिए कहेंगे मुर्गा। अरे ऐसे इंसान को कौन अपने साथ रखेगा। अबे डांस क्यों कर रही है? मैं हूं ना। देख ओए क्या रे, क्या एक मिनट बोल। मैं बोल रहा हूँ, इधर बगल में खुजली और जरा खुजा दो ना भाई। अरे वो क्या कर रहे, खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, बगल से हाथ काट दूंगा। हाय रघु आया है। चलो आओ रघु भाई साहब, थोड़ा बगल खुजाएंगे। क्यों नहीं है? क्यों है? लेकिन हम लोग खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि आज जो इस घर में हुआ है वो कल को आपके साथ भी हो सकता है। आइए जानते हैं चंपक लाल से कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा जेठा लाल किडनैप हो गया है। चंपक लाल जी, आपका बेटा इस वक्त किडनैप हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तुम्हारा बेटा है? नहीं। तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? आप लोगों ने देखा कि एक बेटे के किडनैप हो जाने से एक पिता की दिमागी हालत कितनी बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। अच्छा, क्या आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ पूछो भाई, फिरौती की रकम के लिए कौन कौन मदद करेगा? कुछ प्रैक्टिकल बात कीजिए, कुछ ऐसा जो सब समझ सके। क्या आप किडनैपर से कुछ कहना चाहेंगे? बेशर्म हो नो, मतलब इससे ज्यादा गालियां टीवी पे अलाउड नहीं है। अब आइए जानते हैं उनकी पत्नी से कि इस वक्त उनके दिल पर क्या बीत रही है। भाभी क्या आप हमारी दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ सुनिए जी, अपना ख्याल रखना और किडने पर भाई साहब से झगड़ा मत करना, और टप्पू की पढ़ाई की बिल्कुल चिंता मत करना। मैं और याद आएगा तो बताऊंगी। और वो बैंगन का भरता अभी भी रखा है। आप लोग देख रहे थे एक किडनैप हुए शख्स के परिवार की मसालेदार कहानी। तो आप सभी बने रहिए कल तक पर, जहां पर रीटा रिपोर्टर आपको देती रहेगी पल पल की खबर, हर पल। हाँ तो 60 लाख तैयार हैं। ए अपनी 40 की बात हुई थी। नहीं नहीं 40 की नहीं, 50 की बात हुई थी। तो 60 क्यों बोला? नहीं नहीं वो तो ऐसे ही एक चांस ले रहा था। देखा आ गए ना लाइन पे। ठीक है ठीक है, अब 50 कब दे रहे हो? अरे इतना आसान नहीं होता 50 लाख देना, 50 लाख बहुत बड़ी रकम है, कुछ कम करो। अरे अब और कितने? 10। 10 लाख? 10 लाख नहीं, 10,000। अबे बुड्ढा सठिया गया है क्या? हम लोग को चिंदी जो
और रह गया। अरे ऐसे कोई भावताल करता है यार। ठीक है चलो 40 लाख। अबे 40 लाख नहीं है, कितनी बार बोलने का। एक काम करो 40,000 ले लो। अच्छा 30 लाख। 60,000। अच्छा 20 लाख। 75,000। अब 10 लाख तो दे दो यार। 90,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। 90,000 नहीं, 1 लाख दे दो राउंड फिगर बस। मंजूर है, मंजूर है, 1 लाख देना मंजूर है। नहीं दादाजी, कुछ देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों? अच्छा मेरे पापा तुम्हारे पास है तो तुम्हारे रघु और कमाल भी हमारे पास है। अब एक हाथ लो और एक हाथ दो। मतलब एक्सचेंज ऑफर, आप पापा हमें देंगे और हम तुम्हारे भाई कमाल और रघु को, समझो एक पर एक फ्री। ठीक है तो कहाँ मिलना है? अंकल कहाँ मिले? मिलते हैं कल सुबह रावलपाड़ा के पीछे। टप्पू ये दोनों तेरे हाथ कैसे आए? टप्पू को रघु ऊपर शक था क्योंकि वो हमारी सोसाइटी में ताकजा कर रहा था, इसलिए हम सब ने इसका पीछा किया। फिर ये कमाल उससे मिलने आया और फिर इन्हें हम यहाँ लेकर आ गए। अरे वाह वाह, शाबाश मारा टपुड़ा, अब हम इन दोनों को देकर अपने जेठा को छुड़वा लेंगे। अच्छा चलाता है गाड़ी। तुम क्यों नहीं चलाता है गाड़ी? मम्मी ने मना किया टू व्हीलर चलाने को। अरे टू व्हीलर चलाने को मना किया मतलब सारा रिस्क कस्टमर का। अरे ये किधर गया? अरे वो पेट्रोल भरने जा रहा है। हाँ इतना दूर लेके आया, पहले से बोला तो पेट्रोल टैंक फुल करके आता था ना वो। ठीक है उतरो। अरे पहले तुम उतरो तो मैं उतरूंगा ना, पकड़ के रखा है मुझे इधर। इसका स्टैंड किधर है? मुझे क्या मालूम। अरे यार क्या आदमी, अरे भगवान। देख ला। आ, आ, मिला मिला पापा। पापू जी। जेठालाल को इधर भेजो। नहीं पहले तुम कमाल भाई और रघु को भेजो। नहीं पहले मेरे पापा को भेजो, वरना हम इन दोनों को पुलिस में दे देंगे। देखो बोल तो, ऐसी दादागिरी नहीं चलेगी। अरे बापू जी कभी तो किसी का मानो। अरे वो बोल रहे तो भेजो ना उनको। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों को एक साथ भेजते हैं। हम इन दोनों को इधर से भेजते हैं, तुम जेठालाल को उधर से भेजो। बराबर है। रघु जिस थाली में छेद करता है उसी में खाता है। मैं तुझे अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ। आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि मैं इस्तीफा देता हूँ। अरे मैं मालिक हूँ, मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ। गेट आउट नॉनसेंस। जेठा कहाँ जा रहा है? वापस अगवा हो जाएगा। आप लोग उधर कैसे पहुँच गए? बापू मेरा बेटा, बापू जी भाई लालू बापू जी। बेटा साहब आगे आगे आगे। थैंक यू बेटा साहब, आपने बता लिया मुझे। चल अभी जल्दी घर चल, कोई तेरा कब से इंतजार कर रहा है। कौन दया? नहीं हाँ बैंगन का भरसा। ए जमाल कमाल रुको मैं आ रहा हूँ। भाई वाह, लौट आए जेठालाल वापस। हालांकि आए दिन जेठालाल का परिवार उनके लिए मुसीबतें खड़ी करता रहता है, लेकिन अंततः मुसीबत के वक्त आज परिवार ही काम आया। और यही हमारी संस्कृति और हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी तरह हम आपको रोज खुशियां बांटेंगे और खुशियों के कई रंग बिखरेंगे गोकुलधाम सोसाइटी के आंगन में। खुशियों का एक खास रंग बिखरने वाला है कल, जब गोकुलधाम सोसाइटी में आप हमारे साथ मनाएंगे जन्माष्टमी। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।